मुहतरम नासिरीन अजमा, जुमला नाफिरीन और दीगर मुअज्जज़ सामईन सामिआत, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करता हूँ। रब्बुल आलमीन का उसकी बेशुमार नियमतों पर शुक्रगुजार, लाखों मरतबा उसकी तमाम नियमतों पर शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस नियमत इस्लाम पर, हिदायत तौहीद पर। दरुद व सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर, बिलखुसूस मेरे और आपके नबी जिनके उम्मती बना करके हम पैदा किए गए थे दुनिया में, कि आपके बाद कयामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, कि आप पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजे थे नबी आखिर समाबीन पर हाजरीन जुमा। आज के खुतबे जुमा में आपके शहर कोरोपला की मस्जिद खालिद बिन वलीद में खुतबे जुमा का जो मौजू रखा गया है, या जिस मौजू पर मुझे बात करने के लिए मुकल्लफ किया गया, मौजू है दावत इल्लाह का सही मफ़हूम और उसके तकाज़े। इसमें कुछ बातें ऐसी आएंगी कि हो सकता है आप में से बाज अहबाब को छी ना लगे, ना पसंद हो हमारे जिम्मेदारात को, हो सकता है हमारे बाज उलमा को भी जो है ये बातें ना पसंद हो, लेकिन चूंकि मैं भी एक मदरसे का फारिग हूं तो मैं भी उसी जुमरे में शामिल हूं, लेकिन चूंकि हक बात कहना तो जरूरी है, इस वजह से कुछ बातें कुरान और सुन्नत के नुसूस की रोशनी में आपके सामने रखते। अल्लाह ताला मुझे अपने आप की और हमारे अहले इल्म को, हमारे जमात के जिम्मेदारों को भी इस्लाम की तौफीक इनायत फरमाना। हाजरीन जुमा, दावत इल्लाह, जिसको अगर हम उर्दू जुबान में कहेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, अल्लाह ताला की तरफ दावत देना, ये इसका मफ़हूम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया कि इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन शख्स वो है कि जो अल्लाह ताला की तरफ दूसरे लोगों को बुलाता, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, कि उससे भी बढ़कर के बेहतर कोई हो सकता है क्या जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, उससे भी कोई बेहतर हो सकता है इस दुनिया के अंदर। ये एक तरह से सवालिया अंदाज में हमें खबर दी जा रही है कि इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने ही के मकसद से
अल्लाह ही की इबादत की गरज से ये दुनिया में हमने मस्जिदों को कायम किया है, ये अल्लाह की तरफ बुलाना है। अजान के कलिमात अभी आपने सुने, अजान के कलिमात में क्या है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसके बाद मुअज्जिन कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ बुलाया जा रहा, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जा रहा है, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया जा रहा। अल्लाह की तरफ बुलाने से मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। बहुत से लोग हैं बुलाते हैं अल्लाह का नाम लेके गैरुल्लाह की तरफ बुलाते, मतलब ये है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलाना ऐसा हो कि अल्लाह की इबादत के लिए बुलाया, अल्लाह की तौहीद को कायम रखने और उस पर चलने के लिए बुलाया। वरना दावत इल्लल्लाह के नाम पर अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ के हर तरफ बुलाया जा रहा। आप देखें बहुत सारे मकाती बेफिक्र है, उनको स्टडी कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, नाम अल्लाह का है, नाम दावत इल्लल्लाह है, लेकिन दावत इला गैरिल्लाह, गैरुल्लाह की तरफ बुला रहे, नाम तो अल्लाह का ले रहे लेकिन अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत नहीं दी जा रही। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, मुसलमानों में जो मकाती बेफिक्र है, जो गैर है वो तो सीधे जो है काफिर है, वो मौजूद बहस ही नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम नेकी का हुक्म दे रहे हैं, आप स्टडी कर लें क्या वो वाकईतन अल्लाह की तरफ बुला रहे, कोई अपने इमाम की तखलीक की तरफ बुला रहा, कोई अपने बाबा पीर की बैत की तरफ बुला रहा, कोई अपने अपने इमामों की तरफ बुला रहा, इमामों का अकीदा, तसव्वुफ का अकीदा, तखलीक का अकीदा, शिरकियात के अकीदे, आबा और अजदाद बुजुर्गों और बड़ों की पैरवी के अकीदे, दावत इल्लल्लाह का नाम लेकर के गैरुल्लाह की तरफ मुसलमानों में ये चीज आम हो। तो आप सबसे पहले समझे दावत इल्लल्लाह का मतलब ये है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अजान के कलिमात आप सुन रहे हैं, कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद हकीक नहीं है, इबादत और बंदगी का वाहिद मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये मतलब होता है अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का। और आज के जमाने में अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का जो काम है, हमको ऐसे लग रहा है सोशल मीडिया पर किस तरीके से मुकर्ररीन की तहरीरें हो रही है, बड़े बड़े स्टेज सज रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही है, और हमको हम इस मुहालते में हैं, हम एक ख्वाब गफलत में जी रहे हैं, हमको क्या लग रहा है दावत का काम आज के जमाने में बहुत जोर पकड़ गया, ऐसे लग रहा है लोगों को बहुत लाखों की तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जबकि ये जो सच्चाई है इससे बड़ी सच्चाई मैं आपको बता दूं, लाखों की तादाद में लोग मुर्तद हो रहे हैं, ये हकीकत है। ये आप खुशफहमी में आप ये समझ रहे हैं, खैर ये तो अलामत कयामत में से है, अल्लाह ताला है जिसे हिदायत देता है, अल्लाह चाहे जिसे गुमराह करे, लेकिन हमारे जख्मों में ये जो बात बैठी हुई है, लाखों लोग इस्लाम में आ रहे हैं और दावत का काम बहुत पेड़ पकड़ चुका है, बहुत फौजदार हो जा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं। दावती मिशन और दावती नाम पर, इस काम के नाम पर ऐसे बहुत सारे अहबाब है जो दीन के नाम पर गलत फिक्र को अवाम में फैला, यहां तक के इस्लाम की गलत तशरी करने की वजह से, दावत इल्लल्लाह का गलत मफहूम बयान करने की वजह से लोग इस्लाम से करीब होने के बजाय इस्लाम से दूर होते जा रहे, इर्तिदाद का शिकार हो रहे। खैर तो है नहीं, जो खुद हमारे अपने मुस्लिम नौजवान है जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो उनका जो सहन है साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो हर चीज को लॉजिकल एतबार से सोचने लगे,
वो हर चीज वो एक ही कसौटी पर लॉजिकल चीज पर कोई सेंस इसमें बनता है नहीं बनता, ऐसे उनके रूल्स है, उनके अपने खुद साख्ता कवायद है जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को जो मुस्लिम कहते हैं और मुस्लिम घराने में पैदा हुए वो अल्लाह का इनकार करो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर। तो ये फितना बहुत आम होते जा रहा है। आप देखें मुर्तद आज के जमाने में अगर इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके अगर मैं कहूं तो एक सौ मुस्लिम कहेंगे जो लोग कहते हैं अपने, देखे किसी का नाम जहीर है, बकर है, जैद है, अब्दुल्ला है, वो कहता है कि मैं पहले मुसलमान था, बाद में इस्लाम में मुझे ये चीजें नजर आई, इस वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ा। वो आइटर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दूसरों को भी कह रहा। तो ये सबसे पहले आप गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें कि इस्लाम बहुत फैल गया है और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। इस्लाम को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, इस्लाम हमेशा से, ये अल्लाह का दीन, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। बात हो रही है लोगों की, इस्लाम कभी फना नहीं होगा, इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, इस्लाम खत्म नहीं, इस्लाम अल्लाह का दीन, यह हमेशा बाकी रहने वाला। लेकिन यह जो मुगालत आपके जहनों में है, सबसे पहले इस चीज को निकालें। तो दावत इनल्लाह का जो हम ट्रेंड आज देख रहे हैं कि हर कोई जो है अपने आप को बड़ी इतजाब दिखा करके समझ रहा है कि अपने बहुत बड़ा जो है दीन है हम का हम अदा कर दिया है, लोगों तक पहुंचा दिया है, ये बात अलग दावत इनल्लाह के नाम पर जो हमारे जहन हुए। अब आगे बढ़ते हैं कि दावत इनल्लाह का काम करने वाले जो लोग कह रहे हैं कि हम दावत का काम करेंगे, दावत का काम कैसे होता है उसको आपको समझना होगा कि सबसे बड़े दाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बड़ा कोई दाई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत देने का जो तरीका है उससे बेहतर कोई तरीका नहीं। सबसे पहले आप देखें, मैं हमारे उलमा की भी बात करता हूं और जो दीन के नाम पे काम कर रहे दावत इल्लाह का, अल्लाह मेरी भी सलाह करे, आप सुनने वालों की भी सलाह करें कि अहले इल्म का जो मामला है, उलमा का जो मामला है, देखिए हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं, मदरसों में जो है उर्दू जुबान पढ़ाई जाती है, उर्दू जुबान पढ़ाई जाती है। अब ये हमारा तेलंगाना है, करीब में जो दूसरे स्टेट है जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है और जो दूसरे स्टेट, जैसे स्टेट बदलता है महाराष्ट्र है, लैंग्वेज बदल जाती। अब जो मदरसे से पढ़कर के जो फारिग उलमा या तलबा जो आते हैं वो सिर्फ उर्दू जुबान से उनकी वाकिफियत होती है। अब वो जहां कहीं पर भी हिंदुस्तान जाएंगे, कहीं और मुल्क जाएंगे, सऊदी जाएंगे या कनाडा जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो वहीं पे वो तकरीर कर रहे हैं उर्दू में। ठीक है, जो लोग उर्दू समझते हैं लोग उर्दू समझेंगे, उस पर उनकी बातों पर अमल करेंगे, लेकिन आप दयानतदारी के साथ बताइए क्या हमारे स्टेट के जितने गैर मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं सब उर्दू बोलने वाले? क्या जो पड़ोसी स्टेट है हमारे वहां पर ऐसे भी मुसलमान है जिनको उर्दू नहीं आती? उस शहर के जो मुसलमान होते हैं उनको उर्दू आती, हिंदी समझते, जो बिल्कुल ऐसे देहातों में रहते हैं उनको उर्दू नहीं आती, वो तेलुगु जानते, वो कनाडा जानते, वो तमिल जानते, वो मलयालम जानते। मैं आऊंगा आपके सामने उर्दू में बयान करके चले गया, वो जिसको उर्दू नहीं आती है उसको कौन समझाए? दावत का जो मफहूम वीडियोस के जरिए, टीवी के जरिए, कॉन्फ्रेंसों के जरिए हम समझ रहे बहुत दावत का काम बढ़ गया है, ये गलतफहमी है। दावत लोगों तक पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह भी नहीं आती। और ये शरीयत का उसूल बता रहा हूं मैं आपको, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में कहा वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, हमने किसी भी रसूल को अगर इस दुनिया में भेजा दावती जिम्मेदारी और दावती मिशन को लेकर के, तो उस कौम की जुबान में भेजा।
उनकी जुबान आएगी तभी तो दावत का काम होगा। अगर यहां पर आपको तेलंगाना में समझाना है गैरों को, अपनों को समझाना है इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, बहुत ज्यादा गहरी बातें नहीं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा बारीक फिक्र के मसाइल नहीं कह रहा हूं, बुनियादी बातें कह रहा हूं, इस्लाम का तारुफ, रसूल का तारुफ। हमें कालिम को इलाके की जुबान नहीं आएगी तो वो दावत का काम कैसे करेगा। हमारे जिम्मेदारों को भी मैं कह रहा हूं, हमारे यहां से जैसे लेबर्स को लाया जाता है बड़ी बड़ी इमारतों को या बड़े कंट्रैक्ट बेस पे, उत्तर प्रदेश से नॉर्थ इंडिया से जैसे लेबर्स सप्लाई किए जाते हैं, हमारे जो लोग हैं जिम्मेदार भी यही समझ रहे हैं कि वहां से वैसे ही बुला लें, यहां पर रख दे उनको और वो मस्जिद में पड़े रहेंगे, उलमा और दावत का काम हो जाए। नहीं होगा दावत का, ऐसे नहीं होता है दावत का काम। आपके इलाके की जुबान नहीं आएगी, आपके दरमियान में आलिम नहीं रहेगा, आपके अपने अतराफ के माहौल को समझने वाले नहीं रहेंगे तो दावती काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि हर रसूल को उनकी लैंग्वेज में ढूंढने पे देख लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मोहम्मद अरबी है, आप ये अलग बात है कि रहमतुल आलमीन के पहले जो अंबिया होते थे वो किसी खास इलाके के लिए होते, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पूरी कायनात के लिए, लेकिन आपको आपकी जुबान अरब की जुबान अरबी में भेजा। अल्लाह ने कितने मरतबा कुरान करीम में जिक्र फरमाया बिलिसान अरबी की मुबीन, वाज़े अरबी लैंग्वेज में हमने पढ़ा पढ़ा। ये अरबी रसूल है, ये क्यों, इसकी हिकमत को जाने। दावत का जो हम समझ रहे हैं मामला, दावत का जो मामला है, दरमियान में अगर कोई दाई नहीं रहेगा तो वो सही तौर पे दावत का हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते थे मुशरिकीन मक्का, क्या एतराज था उनका, वकालू माली हाज़र रसूल याकुल तहाम वयंशी फिल अस्वाक, इनका एतराज ये था, ऑब्जेक्शन ये था अल्लाह के रसूल पर कि ये कैसे रसूल है जो खाना भी खाते है और बाजारों में रहते हैं। ये उनका ऑब्जेक्शन था, क्यों, क्योंकि रसूल को उन्हीं के दरमियान से भेजा था अल्लाह ताला, उन्हीं के खानदानों में, उन्हीं के इलाके में थे वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल करके मबूस किया। अब दावत का जो काम है वो जोर उसी वक्त पकड़ेगा, दावत के काम में आपको कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब दाई आपके दरमियान रहे, आपके मसाइल को जानने वाला। मैं दूर शहर से आपके दरमियान में आया, यहां पर क्या मसाला चल रहा है, यहां पे लोगों को क्या चीज समझानी चाहिए, इसका मुझे इल्म नहीं। यहां पर एक मुस्तकिल अगर एक दाई रहेगा तो वो समझेगा कि आपके मसाइल क्या है, किसका जहन कैसा है, किसको किस तौर पर समझाना चाहिए। उसके अपने शख्सी ताल्लुकात रहेंगे, उसके अपने शख्सी मामलात रहेंगे, फिर जब वो लोगों के दरमियान में रहेगा तो उस अंदाज में उसको समझाएगा कि उसके दिल में वो बात उतर जाए। ये सही, मैं आपको बता रहा हूं, ये मफहूम होता है दावत इल्लाह का। हमारे जिम्मेदारान भी समझे, और आप जो कहते हैं कि भाई उलमा की कमी है, उलमा नहीं मिलते, और सीधे इधर उधर के इलाके से जो है हम लाके अपनी मसाजिद में रख देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं दावत का काम नहीं हो रहा है। मैं अपने जिम्मेदारान जमात से मैं कहना चाहता हूं, कमेटी के जो जिम्मेदारान है हमारे तमाम के लिए ये मेरा पैगाम कि भाई आप अपने शहर से आप दाई को तैयार कीजिए, आपकी औलाद हो, आपका अपना करीबी हो, उसको आप प्रेरणा दीजिए, उसको आप कुरान सुन्नत समझाइए, उसको आपके इलाके के हालात मालूम है, आपकी जुबान मालूम है, वो वही लड़का यहाँ पे दावत का काम करेगा तो फिर उसके जो असरात होंगे वो बाहर से आने वाला वो काम नहीं करते। आपके अपने जो बच्चे हैं इनको आपको दावती मिशन के लिए तैयार कर, यहां पर आपको मस्जिद के अंदर ये दावती मिशन को जारी रखना है, यहां पे बैठ करके यहां पर जो है मदरसे की तरह जो है तालीम का नज्म और नस्ब और बंदोबस्त करना है। ये कॉन्फ्रेंस है, ये बड़े बड़े प्रोग्राम जो हमारे जिम्मेदार समझ रहे हैं कि हमने हक अदा कर दिया, एक स्टैंड लगा दिया,
और वो एक के बाद एक मुकर्रर आ रही है, एक के बाद एक तकरीरें हो रही है। उसके बाद लोग उठ करके खाने से फारिग होकर चले गए, कामयाब पड़ा जो है, सक्सेस हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। ये तरीका नहीं है दावत का, ये तरीका नहीं है। अगर कोई इसके ऊपर डिबेट करना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, पूरी तारीख इस्लाम में शरई नुसूस से ये साबित कर दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इलाके में कहा, अबू बकर उमर उस्मान सहाबा को कहा कि आपकी पहले तकरीर हो जाए उसके बाद मैं अपनी तकरीर कर, ऐसा ये तरीका नहीं है। दावत का तरीका यह है कि लोगों के दरमियान में रहना, लोगों की जुबान जानना, लोगों के हालात से वाकिफियत हासिल करनी, तब जाकर के वो दावत असरअंदाज होगी। आप सब उर्दू जानने वाले, आपके दरमियान में बहुत बड़े जो है मुकर्रर है, वो इंग्लिश में अंग्रेजी में तकरीर कर, वो इंग्लिश लेके क्या करेगा वो आदमी, उसको क्या समझ में आए। मैं उर्दू में तकरीर करूं या गैर मुस्लिम के सामने, वो तेलुगु जुबान जानता। आप कह रहे मैं ट्रांसलेटर रख दूं, मैं ट्रांसलेट, आप डायरेक्ट जैसे बात करेंगे क्योंकि जुबान एक इमोशन है, जुबान एक जज्बात है। आपको जब उसकी जुबान मालूम होगी, डायरेक्ट जब वो आपसे सुनेगा तो उन बातों का असर अलग हो। इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हर रसूल को उनकी जुबान में मबूस किया है, वो जुबान जानने वाले होगा। ये जो हमारे यहां जो चलन आम है, इस चीज को खत्म कीजिए, इन गलत फहमियों से निकलिए कि दावत का काम बहुत सोल पकड़ गया है और बहुत अच्छा काम हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, दावत का हक हम अदा नहीं कर रहे हैं। मामला दावती काम की जिम्मेदारी और इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जिन्हें खुद दावती मैदान और दावत इल्लाह का कोई इल्म नहीं। ये भी हमारे लिए बड़ा नुकसान। एक तो लैंग्वेज का बैरियर, जुबान की परेशानी, इलाके की परेशानी, और दूसरा ये कोई मशहूर स्पीकर है। अब यहाँ के इमाम साहब आपके दरमियान में जो रहते हैं, ये तकरीर करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई कनाडा से अमेरिका से उतरे तो आप सब जो है गाड़ी बात कर करके वहां जा रहे हैं और आपको सुनना है, क्यों, एक नया आदमी आए सुनना है भाई। आपके हालात से आपके इमाम साहब वाकिफ, आपके अपने लोग वाकिफ है, आपको कैसे समझाना है। लेकिन ये एक तरीके से जो है ट्रेंड बना हुआ, एक आलिम का खुतबा एक जगह होने नहीं देते लोग हमारे। जैसे अब यहां पर यहाँ के जो इमाम साहब है इनका खुतबा आप सुने मुसलसल, लेकिन इसमें भी जो है कानून की लज्जत भाई मुकर्रर को बदले, ये कोई मजे वाली बात है दावत का काम। जो अल्लाह रसूल की बात कर रहा है तो आप कह रहे हैं मुकर्रर को बदले, तो जो अच्छी तकरीर करने वाले जो मुकर्रर है, उलमा है, जो दाई है, उनका मामला ये है कि एक शहर में वहां तकरीर हो गई, फिर उसके बाद दूसरे शहर में हो गई। इससे क्या मालूम होगा मुझे आपके हालात से क्या वाकिफ है, आपके मसाइल में कैसे जानूंगा, कैसे जो है आपके मसाले पर हल करने के लिए मैं बात करूंगा। ये गलत चीजें हमारे दरमियान में फैल गई। हम जो लोग आ गए हैं इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, ये ऐसे भी है कि जिन्हें सीखने का कोई शौक नहीं है लेकिन सिखाने का बड़ा शौक, ये जानते कुछ नहीं है लेकिन ऐसे कि अपने आप को पेश कर रहे हैं, बहुत बड़े अल्लामा है ये। इनका कुर्ता और इनकी जुब्बा वो दस्तार, और इनके सब्सक्राइबर और इनके दीवाने, इनके फॉलोअर, इनका स्टूडियो देख के लोगों को लग रहा है क्या काम कर रहे हैं। तो ये जानते कुछ नहीं है, ये लोग आकर के इस दावती कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये ऐसी गलतियां करते हैं कि एक आम जाहिल भी वैसी गलती नहीं, बिल्कुल जिसको शरीयत की कोई मालूमात नहीं है वैसा जाहिल भी वो जुरत नहीं कर सकता। ये जो मुतालिम है, आलिम नहीं मुतालिम, अपने आप को आलिम बना के दिखाना, सुना करना, जानते कुछ भी, इन लोगों ने दावती मैदान में और ज्यादा जो है नुकसान किया। ऐसे लोग जो सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अब वो आएंगे कुरान की तफसीर बयान, वो हदीसों की शराह कर रहे, गलत मफहूम हदीसों का बयान कर रहे, पुरानी आयतों का गलत मफहूम अवाम के सामने रख रहे, अवाम जो है उनकी चकाचौंध उनकी नुमाइश को देख करके बहुत बड़े भाई। जो भी अल्लाह रसूल की बात करे वो बेहतर इंसान है, जो भी अल्लाह रसूल का कलाम सुनाए वो बेहतर है,
ये कोई कानों की लज्जत का मामला नहीं है कि कोई शख्स जो है कहे कि वो उनको सुनेंगे। भाई किसी के सुनने से असर नहीं होता है, कुरान और सुन्नत के अंदर अपनी एक तासीर होती है। ये अलग बात है कि कोई किसी का अंदाज बहुत अच्छा होता है, लोग उसकी बातों को सुनते हैं, वो अलग था। लेकिन ये जो चीज हमारे पास चल रही है कि इधर से उधर खतीबों को आलिमों को जो है बदलना है, और फिर अब तो इलमा तो छोड़िए, हमारे यहाँ भी वही सूरत हाल है जिस तरीके से जो है अहनाफ के अंदर है कि भाई दियोबंदी मसलक की जो मस्जिदें हैं ये हमारे अपने आपस के कह रहा हूं मैं, गैरों तक इस्लाम पहुंचाना तो छोड़ दिया। हमारे अपने अंदर जो ट्रेंड चल रहा है, दारुल उलूम दियोबंद से अगर कोई खासमी है तो मस्जिद में बयान नहीं कर सकता, लेकिन तबलीगी जमात पे कोई चिल्ला मार के आया है आलिम को बिठा करके वो तकरीर कर। ये जो जिहालत लोगों के दरमियान में आम हो गई, हमारे सलफियों का भी वही मामला हो गया है, हमारे यहां भी वही ट्रेंड चल रहा है कि भाई कोई मदरसे से 8-10 साल पढ़ के इल्मे दीन हासिल कर कुरान और सुन्नत की मालूमात हासिल करके आया है, एक ब्रदर कुरान पे ठहरा कर दिया है, वो ब्रदर कुरान की तफसीर कर रहा है, उसको अरबी नहीं आती है और आलिम साहब को उसके बालों में बता दिया। ये हालात हमारे हो गए मेरे भाइयों, दोनों तरफ से गलती है, कुरान भी और अहले इल्म की तरफ से भी जिम्मेदारान की तरफ से। तो दावत इल्लाह के इस मफहूम को समझिए, आप वाकईतन दावत का काम करना चाहते। इतनी जगहों पर मैं जाता हूं जुमा के खुतबात और दीगर प्रोग्राम के लिए, करीब ठहर करके अगर किसी गैर मुस्लिम से पूछ लूं मैं ये मस्जिद कहाँ है, तो आपके आसपास के गैर मुस्लिमों को ही नहीं मालूम आपकी मस्जिद कहाँ है। हर हर जगह की बात मैं कह रहा हूं, क्या दावत का काम भाई, गैर मुस्लिम भी तो मस्जिद में आके जुम्मा का खुतबा सुन सकता है, वो भी तो बैठ सकता है, अगर हिंदू भी अगर आके मस्जिद में जुम्मा का खुतबा सुनना चाहे तो सुन सकता है। कितने लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, अब लोग क्या समझते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सिर्फ सहाबा सुनते थे, जो लोग इस्लाम ला लिए उन्हीं में दावत चलती थी, ये आपस ही में दावतें खा रहे हैं, हम आपस में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपस में ही जो दावतें उड़ा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा दावत है अल्लाह का काम हो। आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलम में जब कुरान पढ़ते थे, अबू लहब बाबू जान जितने सरदारान जितने सरकस थे मक्का के पूरे सुनते थे, कुरान सुनते थे, सुनेंगे नहीं तो कैसे इस्लाम लाए, अरे दावत पहुंचाएंगे कैसे, आपस ही में खुश हो रहे। ये मस्जिद है, यहां पर ऐसा काम कीजिए आप, जिम्मेदारान को भी मैं कह रहा हूं काम करना चाहते, अरे ये तो जुमा का प्लेटफॉर्म है, संडे का दिन है, यहाँ के गैर मुस्लिम अतराफ के आप उनको बुलाइए, इन्वाइट कीजिए, आप बिठाइए उनके लिए तौहीद का दर्स रखिए, उनके लिए जो है सियाफत का आप जो है इंतजाम कीजिए, ये सब मामलात आपस ही में हो रहे हमारे। तो दावत इल्लाह का काम मेरी नजर में इस वक्त नहीं हुआ है, दावत इल्लाह के मफहूम को समझिए, जिम्मेदारान भी समझे। आप कितने उलमा की शिकायत मेरे सामने जिम्मेदारान करते हैं, भाई आलिम साहब को जज्बा ही नहीं है दीन का काम करने का, अरे भाई आप मगरबी बंगाल आसाम से आसामी जुबान उड़ीसा की उड़वी जुबान बोलने वाले आलिम को लाके रखेंगे, अब वो क्या यहाँ पे तेलुगु में जो है समझाएगा गैरों, यहाँ पे क्या जो है उसको मालूम है हालात में आके कैसे तरीके से बात करें। भाई अपने बच्चों को ट्रेन करो, आप दावत का काम करना है, आप अपनी औलाद को तालीम और तरबियत दो, ये कहां से आएंगे, दाई कहां से पैदा हो, आपके अपने इलाके के दाई होंगे, तो बनाइए तरबियत कीजिए, मस्जिद में ऐसा दर्श रखिए, लाखों करोड़ों रुपए की कॉन्फ्रेंस है कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक तकरीब, फजर बाद से वन डे कॉन्फ्रेंस, फजर बाद से तो दर्श शुरू हो रहे हैं तो पूरी ऐशा हो रही है, ये तरीका है दावती काम का, ये तरीका है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा नसीहतें करने से भी मना किया, सारा दिन कुरान और हदीस सुना रहे, आखिरकार नतीजा क्या है, दिन सख्त हो रहा है उसका, बस है जुम्मा का खुतबा सुन लिया, बस है उसको, तो इसी बात पे जो है आप तरबियत दीजिए, आइए जुम्मा के दिन वक्त से पहले आइए, इसी दिन अल्लाह रसूल का कलाम सुन लीजिए, बेहतर है आपके लिए, जुम्मा में ताखिर से पहुंचता है, कॉन्फ्रेंस के दिन पूरा दिन जो है कुर्सी पे बैठ करके जो है दावतें लेते हुए सुन रहा है, ये कौन सा तरीका। ये गलतियां हमारे अपने अहले हदीसों और सलफियों के अंदर भी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि दावती काम जो आप करना चाहते हैं
अतराफ के गैर मुस्लिमों भी किसी मुनासिबत से जो है आप दावत का काम करें, अपनी जुबान बोलने वाले यहाँ के अलम को जानने वाले आलिमों को रखे। दावत का काम सिर्फ तकरीरों से नहीं होता है। मैं अच्छी तकरीर कर दूं तो कोई सलाम नहीं डालेगा, मेरी अच्छी तकरीर मेरी बेहतरीन लफाजी से आदमी तौबा नहीं कर लेगा। अखलाक भी होते, किरदार भी होता है, शख्सियत देखकर भी लोग इस्लाम कबूल करें, मामलात की सफाई सुथराई देखकर लोग इस्लाम कबूल करें। ये आधा दावत इल्लाह का ये जो मफहम हमने बिगाड़ दिया है, इसकी इस्लाह करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ और आपको हुस्ने अमल की तौफीक दे, दावती कारोबार को सही तौर पर मुनहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआवजे बनाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सलाम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله وادعوه يستجب لكم. الله تعالى أولى جل وعظم.